2023 में केवाईसी नियमों में काफी बड़ा बदलाव कर रहे जा रहे हैं आरबीआई। अभी जो है फिलहाल सभी बैंकों से बातचीत ही चल रहा है, मतलब बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जो है वोटर कार्ड, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को केवाईसी के नियमों में माना जाता है। यानी कि कम से कम 5 डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे जो केवाईसी नियमों में लगता है। यानी कि मान लीजिए आपका आधार कार्ड नहीं है, आप उस एरिया के हैं, तभी भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं बैंक जाके। अगर ऑनलाइन अकाउंट करेंगे तो वहाँ 2 रिक्वायर्ड रहता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। वैसे ऑफलाइन में इन सभी की जरूरत नहीं है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं और अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इस ऐसे में क्या है कि आरबीआई को ये सभी के डाटा रखने में दिक्कत हुई रहने की, बैंक को भी जो है आपका, अगर आप कहीं मान लीजिए आप अकाउंट कहीं आधार कार्ड से ओपन किए हैं, कहीं पैन कार्ड से किए हैं, और कहीं जो है सॉरी आधार कार्ड पैन कार्ड से ओपन किए हैं, उसके बाद कहीं जो है ड्राइविंग लाइसेंस या अपने पासपोर्ट से ओपन किया, ऐसा भी लोग हैं कि 3-4 अकाउंट ओपन करके रखते हैं। तो ऐसे में सरकार को और बैंक वाले को भी डाटा रखना, एक इंसान का डाटा रखना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। तो ऐसे में 2023 में ये काफ़ी मतलब ये लॉन्च हो जाएगा हद तक, क्योंकि इसे जो है अभी तो ये ऑनलाइन पोर्टल में लॉन्च हो गया। अगर आपने 2-3 अकाउंट ऑनलाइन में ओपन किए होंगे तो आपको ईमेल पे मैसेज मिला होगा सेंट्रल केवाईसी बोल के। ये सेंट्रल केवाईसी में आपका सेंट्रल केवाईसी का नंबर दिया जाता है, जो अकाउंट एक ही नंबर रहता है आपके सभी अकाउंट से, यानी कि वो नंबर से आपका जितना भी बैंक अकाउंट है सारा डिटेल रहेगा। इसमें से आपको अगर 1 साल में 10 लाख का अगर आप पार कर जाते हैं सेविंग अकाउंट में नॉर्मली, तब आपको इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, आपको नोटिस भी मिलेगा हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप मल्टीपल अकाउंट रखते हैं तो आप इसमें आपका काफ़ी नुकसान है। और जो भी आप अकाउंट रख रहे हैं उसमें से आप 1 से 2 अकाउंट रखिए जिसमें आपको बैलेंस मेंटेन से लेकर ATM कार्ड चार्ज, GST पेमेंट सभी करना होगा। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आप अगर मल्टीपल अकाउंट नहीं रखे और जहाँ भी अकाउंट ओपन किए इसे अकाउंट को बंद भी कर सकते हैं आप। सिंपल अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म मिलता है, सभी बैंकों का अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म मिलता है, लेकिन ये सभी आपको ऑफलाइन के जरिए ही मिलेगा बैंक में ही जाके। तो आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी चली, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।